बाबा बाबा फोन रखिए प्लीज प्लीज फोन रखिए। ओके आई विल कॉल यू लेटर। बाबा मेरे साथ चलिए। क्या हुआ? दानिश ने रानिया को कैद करके रखा, मुझसे मिलने भी नहीं दे रहा हूँ। उसकी बीवी है, तुम किसी की बीवी को क्यों मिलना चाह रहे हो बेटा? मेरी ये समझ में नहीं आ रही इस बात। क्या पागलपन है हमजा, मुझे हॉस्पिटल में क्यों छोड़ा है तुम? अभी बाबा को बात समझ में नहीं आ रही, उसने रानिया को कैद करके रखा है दानिश ने। रानिया रानिया रानिया, कब तक नाम लेते रहोगे उसका? दूर क्यों नहीं हो जाते उससे? जो कुछ बचा है ना, वो भी बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद होने से तो रोक रहा हूँ उसे मैं। दानिश इसकी शर्ट खरीदने की औकात नहीं थी, आज चार चार गार्ड रखे उसने, और हमें रोकेगा वो? आप चलिए मेरे साथ। अरे चलिए। दाया ये रानिया कब जान छोड़ेगी हमारी? जल्दी से गेट बंद करो उसका, गेट जल्दी से बंद करो। अरे यार जल्दी कर दे यार, ये एम्बुलेंस क्यों आई थी? ये क्या है, ये क्या हुआ? मुझे नहीं पता, आप दानिश को फोन कर ले। आप क्या मुसीबत है? कहीं तो जान। जी हेलो, जी जी नहीं। हाँ बेटा क्या हुआ है? बस वो अंकल की डेथ के बाद आप तो जानते हैं कितनी डिप्रेशन में थी, डिस्टर्ब, वो काम वाम करते हुए पांव स्लिप हो गया, गिर गई। कोई परेशानी की बात नहीं है, मैं उसको लेके हॉस्पिटल जा रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। बीवी है मेरी, मैं देख लूंगा, संभाल लूंगा उसको। हाँ अंकल, वो एक जरूरी बात करनी है आपसे, या आप हमजा से आप जरा बात कर लें कि मेरी फैमिली से दूर रहा करें। अच्छा नहीं लगता है, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा मेरी फैमिली में कोई भी दखल अंदाजी हो किसी। जी बाकी रानिया के बारे में आप फिक्र मत करें, हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, मैं संभाल लूंगा। कोई भी बात होती है, कुछ होता है, कोई आपकी जरूरत पड़ती है, मैं खुद आपको कॉल कर लूंगा, अपडेट करता हूँ। थैंक यू। खबरदार जो मेरा नाम लिया, डॉक्टर पूछे तो कह देना कि सीढ़ियों से गिर गई थी। ना तुम तो जानती हो ना मेरे पागलपन को, पढ़ता पहले हूँ सोचता बाद में हूँ। आंटी भी घर में ही है, सुकून से सो रही है, ऐसा ना हो कि उनकी आंखें ना खुले। अब भला जिनका गला घोट दिया जाता है कहाँ आँख खुलती है? घर में सब मौजूद है, गार्ड भी मौजूद है, अम्मा भी मौजूद है, ये काम करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैं तो पता ही है वो तुम्हारी माँ से कितनी नफरत करती है। ध्यान रखना, डॉक्टर को संभाल लेना। समझ तो गई होगी ना तुम, है ना? अम्मा हाँ, अरे वो तो मैं देख लूंगा, ये बताओ कि आंटी ठीक है ना? बस उनका ख्याल रखना। अगर दोबारा फोन करूं तो तुम जानती हो ना क्या करना है। ठीक है, इंतजार करना पड़ेगा।